आजकल मार्केट में बहुत से लोग, बहुत से मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं और वो उनका क्वेश्चन यही होता है कि हम चाहते हैं कि फ़ोन में सिम ना चले लेकिन फ़ोन गेमिंग के लिए अच्छा हो और वीडियो वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि मोस्टली लोग घर पे या टिकटॉक्स बनाते हैं या यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए होता है क्योंकि कैमराज आजकल बहुत महंगे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे में एक फ़ोन की तलाश में लोग आते हैं, या गेमिंग के लिए अपने बच्चों के लिए एक अच्छा गेमिंग फ़ोन चाहिए होता है लोगों को, लेकिन डिमांड ये होती है कि जिसमें सिम ना चले। तो आज की स्मार्टफोन डील्स में है LG का G8X ThinQ, जो कि सिम लॉक है, नेटवर्क लॉक है, बहुत बहुत ही अमेजिंग प्राइस में है ये फ़ोन और बिला शुबा एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करता है। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों को इसकी स्पेसिफिकेशन का आइडिया नहीं होगा, इसलिए स्पेसिफिकेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगा। IP68 से रेटेड है, विच मीन्स के वाटर रेजिस्टेंट ओरिजिनल स्टॉक है, मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर से भी इक्विप्ड है। ऑल दो कंपनी मिलिट्री ग्रेड जो इसकी रेजिस्टेंस है वो गारंटी नहीं करती, लेकिन बहुत 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 ड्यूरेबल फ़ोन है। एमोलेड स्क्रीन इसमें मिल जाती है यहाँ पर 6.4 इंचज़ की, और रेजोल्यूशन इसकी 1080p है, और एज यू ऑल नो LG के जो पैनल्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो बहुत बहुत प्लेजेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। एंड्रॉयड 10 में ये फ़ोन अपडेट होगा और बहुत चीप प्राइस में है, प्राइस इसकी 25,000 रुपये है। सिम नहीं चलती और प्रोसेसर चेक करें, प्रोसेसर इस फ़ोन में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855, मतलब एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर इस फ़ोन में मौजूद है। कैमरास की भी आपको डिटेल बताता हूँ, कैमरास की डिटेल बड़ी शानदार है। मेन सेंसर इसमें 12 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर f1.8 है और पिक्सल साइज 1.4 UM है। 12 मेगापिक्सल सुन के लोग कुछ डिसअपॉइंट भी हुए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट इसमें बनती नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि अगर ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर होता तो इसका जो पिक्सल साइज है वो 0.8 UM होना था, लेकिन 12 मेगापिक्सल का कैमरा हो और पिक्सल साइज उसमें 1.4 UM हो तो बड़ी क्रिस्प और क्लियर इमेज ये फ़ोन शूट कर सकता है, इस चीज़ की गारंटी है। दूसरा जो यहाँ पर सेंसर है वो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, और वीडियो रिकॉर्डिंग की इसमें 4K अप टू 60 FPS इस छोटे से फ़ोन में, इस सस्ते से फ़ोन में आई शुड से 4K अप टू 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, और 1080p अप टू 240 FPS, मतलब स्लो मोशन के लिए चेक और हाई रेजोल्यूशन वीडियो बनाने के लिए भी बड़ा शानदार फ़ोन है। LG V40 की वीडियो रिकॉर्डिंग की एबिलिटीज़ आप देख चुके हैं, ये उससे एडवांस फ़ोन है, मैनुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें मौजूद है, मतलब वीडियो बनाने के लिए जो इस फ़ोन की दो एक्सपर्टीज़ हैं वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन जो दो बहुत आला स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी वो है, एक तो इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी, दूसरा इस फ़ोन की गेमिंग एक्सपीरियंस। 25,000 रुपये के बजट में 6 GB 64 GB वाला ये वेरिएंट है। इसमें सिम तो नहीं डलती क्योंकि सिम लॉक है, लेकिन मेमोरी कार्ड इस फ़ोन में ज़रूर डलेगा ताकि मीडिया ट्रांसफ़र आसान हो सके। 4000 mAh की बैटरी मिलती है, USB Type-C पोर्ट मौजूद है, हेडफोन जैक है, सबसे बड़ी बात हेडफोन जैक है, और स्टीरियो स्पीकर्स भी इस फ़ोन में अवेलेबल हैं। फ़ोन के फ्रंट पर हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा जिसे वीडियो बनाई जा सकती है 4K up to 30 FPS, मतलब फ्रंट कैमरा से भी 4K up to 30 FPS की वीडियो बनाई जा सकती है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका अंडर डिस्प्ले में है, मतलब एमोलेड स्क्रीन है तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, और फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही इसमें मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी है, 21 वाट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में अवेलेबल है, वायरलेस चार्जिंग भी इस फ़ोन में अवेलेबल है। प्राइस 25,000 रुपये बता चुका हूँ, 25,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 855, 4K up to 60 FPS, बड़ी शानदार किस्म की वीडियो क्वालिटी, एमोलेड स्क्रीन, प्रीमियम लेवल का जो डिज़ाइन है, वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन और फ्लैगशिप लेवल, हर तरह से फ्लैगशिप लेवल की फ़ीचर्स ऑफर करता है। घर चलाने के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, अगर किसी को वीडियो के लिए चाहिए तो बेहतरीन फ़ोन है, बहुत ही चीप है, और अगर किसी को गेमिंग के लिए चाहिए तो स्नैपड्रैगन 855, आपको आप जानते हैं कि स्नैपड्रैगन 855 गेमिंग के लिए बड़ा बेहतरीन है, पबजी पे 60 FPS ये फ़ोन ऑफर करता है। आई थिंक इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा इस फ़ोन की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत चीप है, और उसकी अगेंस्ट अगर आप इसकी ऑफर्स देखेंगे ये कितनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है तो आप भी इस फ़ोन से मोहब्बत करने लग जाएंगे। GSM Arena पे जाएं, इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस चेक करें, आपको आइडिया होगा कि क्या बीस्ट ये फ़ोन है जो 25,000 रुपये में आपको मिल रहा है। तो उम्मीद है ये वाली स्मार्टफोन डील आपको पसंद आई होगी, एक ट्रूली अमेजिंग स्मार्टफोन डील है ये, जो कि बहुत लिमिटेड स्टॉक है। चाहिए तो कमेंट करें, मैं जवाब में बता दूंगा कहाँ पर अवेलेबल है, और प्राइस वेरी अगर की हुई तब भी कमेंट करें, रिप्लाई में मैं बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।